कितने टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं? पांच। कौन कौन से? इसको बोलते हैं पेस्टल। क्या बोलते हैं? पेस्टल। पॉलिटिकल, क्या क्या क्या? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। पांच ही होते हैं ना क्या? PSTL। क्या पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स रिलेटेड? गवर्नमेंट चेंज हो गई, सरकार गिर गई, नई गवर्नमेंट आ गई, नई पॉलिसी आएगी। अब वो पॉलिसी बिजनेस के लिए अच्छी होगी कि नहीं होगी, यू डोंट नो। वो कैसी है बिजनेस को लेके, बात समझ में आ रही है? तो हर क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है बिजनेसेस को लेके। तो अगर सरकार, कभी भी देखना, नई गवर्नमेंट आती है तो मार्केट या तो ऊपर जाता है, तो मार्केट क्या होता है, नीचे जाता है। क्योंकि लोगों का एक अनुमान होता है कि ये बिजनेस फ्रेंडली रहेंगे या नहीं रहेंगे, पॉलिसीज इनकी कैसी रहेगी। अगर मान चलो दंगे हो गए, के बाद सर में वो तो खैर सोशल में आ जाएगा, पॉलिटिकल में और क्या आ जाएगा? मान के चलो अनस्टेबिलिटी है ना, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। अगर सरकार बीच में गिर जाती है तो फिर से इलेक्शंस होंगे, सारी चीजें होंगी, ठीक है क्या? नई पॉलिसीज आएंगी तो बिजनेस को फर्क पड़ता है। तो एक क्या होता है? पॉलिटिकल। दूसरा क्या होता है? इकोनॉमिक। जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अभी क्या है? रिसेशन चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? रिसेशन। गंदा रिसेशन चल रहा है। मतलब तुम अगर आज तुमको समझो कि हमको यहां बैठ के पता नहीं चलता, जैसे बाहर बाहर की कंपनीज है ना, सब जगह ले ऑफ चल रहे हैं, है ना? किसी को भी प्रमोशन अमोशन तो छोड़ दो, नौकरियों से निकाला जा रहा है। नए जो अभी अभी क्वालिफाई हुए बच्चे, उनको नौकरियां मिल नहीं रही है। कब समझ में आ रही है? क्योंकि क्या है? खतरनाक रिसेशन है। क्या है बेटा? खतरनाक रिसेशन। इकोनॉमिक डाउनफॉल है हर जगह, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली डाउनफॉल है। इंडिया तो फिर भी कंपेरेटिवली बेटर है। कब समझ में आ रही है? अब क्योंकि ग्लोबल डाउनफॉल है तो बिजनेसेस में क्या होगा? डाउनफॉल आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो ये देखता है कि रिसेशन है कि बूम है, कि क्या है, किससे बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ यानी फटाफट बोलो। तीसरा क्या है? सोशल। तीसरा क्या है? सोशल। सोशल में तो मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे को चिड़ है सोशल से, मतलब जो हमारे देश में होता है नॉर्मली। सोशल फैक्टर्स क्या है हमारे देश अभी जो पिछले कुछ समय से चल रहा है कि सोशल फैक्टर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो गए, है ना? हम लड़ रहे हैं चीजों को लेके, दंगे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अल्टीमेटली हमको क्या लगता है, इससे फायदा होने वाला है क्या? बेटा बिजनेसेस आएंगे ही नहीं तुम्हारे देश में, ठीक है? तुम बात बात में अपने आपको पाकिस्तान से कंपेयर करते हो, पाकिस्तान में वैसे ही कुछ नहीं है ना, तो बन जाओ पाकिस्तान। तो क्या वहां पे लोग नहीं करना चाहते बिजनेस? आप भी अगर उसी दिशा में भागोगे तो आपके पास भी बिजनेस नहीं आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आपके देश में अगर पीस है, अगर आपके देश में डेवलपमेंट है, तो आपके देश में कोई भी कंट्री, कोई भी बाहर की ग्लोबल कंपनी आके अपना सेटअप करेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? पता पड़ा तुमने, उन्होंने नया बिजनेस खोला, तुमने दंगे कर दिए। क्या बात समझ में आ रही है ना? तुमने दुकानें बंद करा दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। अल्टीमेटली सोशल फैक्टर से बहुत फर्क पड़ता है एक बिजनेस को। क्या बात समझ में आ रही है? अगर सोशल फैक्टर हमारे बिजनेस के हित में है तो अच्छी बात है, हित में नहीं है तो खराब इन्वायरमेंट की निशानी होती है। हाँ या ना फटाफट बोलो। चौथा क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल। चौथा क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल क्या होता है? नई टेक्नोलॉजी आ गई, AI आ गया। क्या बात समझ में आ रही? ChatGPT आ गया। अब इससे क्या होगा? आधे लोग की नौकरी चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे काम कंपैरेटिवली पहले से करना बिजनेस के विंडो व्यू से देखो तो क्या हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है बेटा? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। नई टेक्नोलॉजी आती है तो बिजनेस एनवायरमेंट में काफी चेंज आ जाता है। अभी तक लोग हायरिंग के लिए परेशान थे कि क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अब AI आ गया, बहुत सारा काम आसान हो गया है। बोलो हाँ नहीं? एट द सेम टाइम इंप्लॉइज के लिए दिक्कत भी हो गई है, ठीक है क्या? आपको उससे सीखना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। और क्या होता है? लीगल फैक्टर्स। क्या होते हैं? लीगल फैक्टर्स मतलब नया लॉ आ गया, नया कानून आ गया, आपके प्रोडक्ट को इलीगल घोषित कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? या फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट में कोई एक कंपोनेंट डलता था, उसका यूज सरकार ने बंद करवा दिया। होता है कई बार कि इतने लेवल से ज्यादा कार्बन नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? या इससे ज्यादा ये वाला आप केमिकल नहीं डाल सकते हो। जैसे ही सरकार ने ये नियम बना दिया तो आपका बिजनेस एनवायरमेंट इफेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या होता है? लीगल। या कोई भी नया कानून आ गया जिससे हमारे बिजनेस को फर्क पड़ेगा, चाहे GST, इनकम टैक्स, ये सब भी तो क्या है? कानूनी तो है। कॉम्पिटिशन एक्ट, कंपनीज एक्ट में चेंजेस आ गए, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे बिजनेस एनवायरमेंट को फर्क पड़ गया, तो वो चीज क्या कहलाती है? लीगल। तो कितने एनवायरमेंट होते हैं? पहला पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक यानी कि रिसेशन वगैरह, सोशल मतलब कि एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है क्या? चौथा मतलब टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, और आखिरी क्या है? लीगल।